दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रॉक लेसनर की वापसी की कि WWE की तरफ से क्यों एक बार फिर ब्रॉक और रोमन का सामना करवाया जा रहा है, विंस मैकमैन का कौन सा अफेयर चल रहा है, क्या उनकी WWE CEO की सीट खतरे में है, जॉन सीना की वापसी कब होगी, तमाम तर मालूमात इस वीडियो में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि WWE का अगला पेपर व्यू मनी इन द बैंक 2 जुलाई को होने वाला है, जिसके लिए मैचेस शेड्यूल्स जारी कर दिए गए हैं। लेडर मैच के लिए भी क्वालिफाइंग राउंड जारी है, जिसमें पहला मैच ड्रू मैकइंटायर और शेमस के दरमियान हुआ, मगर इसका कोई नतीजा ना निकला और दोनों ने क्वालिफाई कर लिया, जिसके बाद अब ड्रू मैकइंटायर, शेमस, सेथ रॉलिंस, समी जैन और शिंसुके नाकामुरा लेडर मैच खेलेंगे। इसके अलावा मजीद 4 रेसलर भी इस मैच के लिए क्वालिफाई करेंगे। WWE के मालिक और CEO विंस मैकमैन एक स्कैंडल में फंस गए हैं। ज़राए के मुताबिक विंस मैकमैन के WWE की एक फीमेल रेसलर के साथ ताल्लुकात थे, जिसकी वजह से इन पर केस किया गया है। विंस मैकमैन ने COVID-19 में WWE का बजट कम होने की वजह से बहुत सारे रेसलर्स को रिलीज़ किया था, मगर उस फीमेल रेसलर को रिलीज़ नहीं किया था। विंस मैकमैन अपने मुलाजमीन का मुंह बंद करवाने के लिए उन्हें पैसे दे रहे हैं। पुलिस तहकीकात कर रही है और बहुत जल्द पता चल जाएगा कि असल हकीकत क्या है। इस सब की वजह से विंस मैकमैन अपनी CEO की सीट अपनी बेटी स्टीफनी मैकमैन को देना चाहते हैं। अब बात करते हैं जॉन सीना की वापसी की। दोस्तों, जॉन सीना को हम सब बचपन से देखते आ रहे हैं कि जॉन सीना काफ़ी अरसे से रेसलिंग लड़ रहे हैं। इनका डेब्यू 2002 में हुआ था और अब 2022 में उन्हें 20 साल हो चुके हैं। WWE ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि जॉन सीना 27 जून को मंडे नाइट रॉ में रिटर्न करने वाले हैं। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या वो भी मनी इन द बैंक लैडर मैच में खेलेंगे। अगर ऐसा होता है तो दोस्तों बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि एक लंबे अरसे से सीना मनी इन द बैंक लैडर मैच नहीं खेले। इन दी एंड बात करते हैं ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस की। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस 2 दफ़ा लड़ चुके हैं और दोनों बार ही रोमन रेंस ब्रॉक से जीत चुके हैं, लेकिन एक बार फिर रोमन और लेसनर का मैच करवाया जा रहा है। इसका मेन रीज़न आपको क्या लगता है? दोस्तों, ब्रॉक लेसनर से पहले रोमन का मैच रैंडी ऑर्टन से होने वाला था, मगर रैंडी ऑर्टन इंजरी की वजह से वो मैच नहीं खेल पाएंगे, इसलिए WWE समर स्लैम को बोरिंग नहीं बनाना चाहती थी तो ब्रॉक लेसनर को रिटर्न करवा दिया। और दोस्तों, ब्रॉक लेसनर ने आते साथ ही रोमन रेंस को F5 लगा दिया, यानी आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मैच ज़रूर एक्साइटेड होने वाला है और इसमें कुछ नया होने वाला है। कहीं कहीं ऐसा भी लगता है कि सेथ रॉलिंस मनी इन द बैंक कैश इन करके हिस्ट्री रिपीट कर देंगे, लेकिन एक जगह ये भी लगता है कि जॉन सीना या रैंडी ऑर्टन में से कोई एक इस मैच में दाखिल हो सकता है और ये ट्रिपल थ्रेट या फटाल फोर वे मैच भी हो सकता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगले हफ्ते WWE में क्या होने वाला है इसके लिए अगले हफ्ते की वीडियो का इंतज़ार करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।